ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। भोजपुर एसपी राकेश दुबे ने महज 48 घंटे में ज्वेलर्स लूटकांड का उद्भेदन कर अपराध में लिप्त अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। एसपी ने टीम गठित कर टाइगर ग्रुप के शिनाख्त कर सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर घटना में लिप्त अपराधियों को धर पकड़ शुरू किया। अपराधियों के पास से 300 ग्राम सोना तथा 1.5 लाख रुपए भी बरामद किया है। हथियार के बल पर नवादा थाना क्षेत्र के पकरी स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में लाखों रुपए का ज्वेलरी लूट लिया गया था। महज 48 घंटे में ही इस मामले को एसपी राकेश दुबे ने न सिर्फ सुलझा लिया बल्कि घटना देने वाले अपराधी को साथ साथ लूटी गई सामान भी बरामद कर लिया है। को एक लक्ष्मी ज्वेलर्स की जो दुकान है उसमें लूट की घटना हुई थी और लूट के बाद बीएसपी सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। क्योंकि उस दुकान में कोई सीसीटीवी और ये नहीं था जिसके चलते ये केस बहुत ब्लाइंड था, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से दिन रात मेहनत करके शहर में और भी लगे हुए जहाँ जहाँ सीसीटीवी लगे हुए थे उन सारे जगहों को जाके खंगाला सारे सीसीटीवी को और हम लोग कुछ लोगों को चिन्हित किए। उसी चिन्हित के आधार पर उस पर हम लोग काम करते हुए एक व्यक्ति का शिनाख्त की गई और उस व्यक्ति को हम लोग आ रहे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़े जो कि बाहर जाने के फिराक में था। उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद फिर हम लोग को दो और लोगों का पता चला, उन लोगों को भी हम लोग गिरफ्तार किए। ये लोग सोना लूट के एक यहाँ पर शहर के ही एक सोनार के पास जाके सोना को गला दिया था और उससे वो लोग पैसा ले लिया था सोना के एवज में। उस सोनार को भी हम लोग ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से वो सोना भी बरामद की गई और इन लोग के पास से आर्म्स भी पकड़े गए हैं। कैश 1.5 लाख रुपये जो सोनार इन लोग को पैसा दिए थे वो पैसा भी रिकवर हुआ है, सोना भी रिकवर हुआ और वो गला के छोटा होकर कर दिया। घटना में सर कितने लोग गिरफ्तार है उस घटना से रिलेटेड? तो एक तो गलाने वाला सोनार पकड़ा है, बाकी तीन आदमी भी गिरफ्तार हुए, दो आदमी भी बचे हुए हैं। इनको गिरफ्तार पहले भी कुछ इस तरह की गतिविधि या इन सारी चीजों पर हम लोग अभी देख रहे हैं क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अभी घटना के 48 घंटे भी नहीं हुए हैं तो और अभी गिरफ्तारी हुई है और सामान भी रिकवर हुआ है, आर्म्स भी रिकवर हुए हैं और इन लोग का पूरा आपराधिक इतिहास और ये सारा चीज खंगाला जा रहा है और उसके बाद हम लोग और जो दो बचे हुए हैं उस पर भी जल्दी कार्रवाई करके अरेस्ट करेंगे।